हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत कैचअप कोर्स में मैं अगला वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो में पढ़ाया था कि प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण में तीसरा क्या है, तीसरा उपलब्धता के आधार पर। और इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण का चौथा भाग वितरण के आधार पे। वितरण के आधार पे इसे कितने वर्गों में बांटा गया है, वितरण के आधार पे भी इसे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और दूसरा स्थानिक संसाधन। पहला है सर्वत्र उपलब्ध और दूसरा स्थानिक संसाधन। किसके आधार पे? ये वितरण के आधार पे। तो चलिए बच्चों, आज आगे इसके परिभाषाओं को देखते हैं और उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग सारे वीडियो मेरे देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और एक खास बात बता दूं कि द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स यूट्यूब चैनल भी खुल चुका है। आप लोग इस चीज को वहां पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। सारे 1 से 12 के सारे वीडियो वहां पे आपको मिलेंगे, सभी क्लास के। तो आप सर्च कीजिए द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर यूट्यूब पे और इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1 से 12 के जितने भी आपके आसपास जो भी बच्चे हैं उनको कहिए, वो देखेंगे, और उसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण का चौथा भाग। चौथा भाग में क्या है? वितरण के आधार पर, और उसकी क्या क्या उसके नाम है और उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में प्राकृतिक संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया था, ये हम पहले बता चुके हैं। कौन कौन है पांचों? पहला है विकास एवं उपयोग के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है उपलब्धता के आधार पे, चौथा है वितरण के आधार पे, और पांचवा है स्वामित्व के आधार पे। तो आज हम लोग चौथा पढ़ रहे हैं। क्या है? चौथा पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो चौथा है वितरण के आधार पर, इसे दो भागों में बांटा गया है। चौथा है वितरण के आधार पे। वितरण के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? पहला है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। ये सबसे सिंपल है, ये समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम से ही ये दर्शा रहा है कि सर्वत्र उपलब्ध जो हर जगह मिले, और स्थानिक किसी खास जगह मिले। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसके परिभाषा। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन में प्राकृतिक द्वारा कुछ संसाधन ऐसे हैं जो सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, यानी सभी जगह पाए जाते हैं। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध संसाधन या सर्वव्यापक, इसका एक नाम सर्वव्यापक भी है। तो ऐसे संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं? सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहलाते हैं। तो ये तो आप लोग खुद बता दीजिएगा इसका उदाहरण। मिट्टी, हवा, ये सब क्या है? आपको हर जगह मिल सकती है, जहां जाइएगा मिट्टी रहेगी ही, हवा मिलती ही है। तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन के ये दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं दूसरा इसका, स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन मतलब किसी खास स्थान, किसी खास निश्चित जगह पे। तो किसी खास स्थान पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन स्थानिक संसाधन या स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। किसी खास जगह पे, जैसे किसी खास राज्य में मिलते हो, किसी खास जिला में मिलते हो, किसी खास एरिया पे, किसी खास पठार पे मिलते हो, तो ये स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्या है उदाहरण में? कोडरमा का अवरक, छोटा नागपुर में पाए जाने वाला कोयला। छोटा नागपुर में खास तरह का कोयला मिलता है, तो वो केवल उसी जगह पे मिल सकता है, छोटा नागपुर में। कोडरमा में जो अवरक प्राप्त होता है तो वहीं से मिल सकता है। तो इस तरह ये खास जगह है कोडरमा, ये स्थानिक स्थान हुआ, एक जगह हुआ, छोटा नागपुर एक जगह हुआ, तो वो स्थानिक उस स्थान पर मिल रहा है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि इसके दोनों परिभाषाओं को समझ गए होंगे।
कि प्राकृतिक संसाधनों के को जो वर्गीकृत किया गया है 5 भागों में, उसमें से इसमें चौथा भाग हम लोग पढ़े हैं आज, वितरण के आधार पे। वितरण के आधार पे 2 भाग को पढ़े हैं आज, और इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं बंद कर रही हूँ। अगले वीडियो में हम लोग इसका 5वां भाग पढ़ेंगे, स्वामित्व के आधार पे। किस पे? स्वामित्व के आधार पे इन प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, ये पढ़ेंगे हम लोग 5वां, स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्या? अगले वीडियो में इसका 5वां पढ़ेंगे, ये चौथा है, अगले वीडियो में 5वां पढ़ेंगे। तब हमारी पूरी प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा कुछ टॉपिक है जिसको मैं बताऊंगी, इसका संरक्षण और उपयोग और आवश्यकता। तो चलिए बच्चों, अभी इतने तक के लिए बाय बाय।